जो मुनावर फारूकी हिंदू देवताओं के संदर्भ में जो अभद्र टिप्पणी किया है, इस विषय में इंदौर के पुलिस ने इन्हें बंदी बनाया था। बहुत सारे दिन ये जेल में थे। इतना होने के बाद भी ये उदंड फारूकी ने इस प्रकरण में कोई भी किसी भी प्रकार का क्षमा याचना उन्होंने नहीं किया। उसी समय पे हमें पता चला कि मुनावर फारूकी का कार्यक्रम तेलंगाना के भाग्यनगर में होने वाला है। तेलंगाना के शहर विकास मंत्री केटी रामाराव एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए वो बोलता है, हैदराबाद एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और हम हास्य को हास्य के रूप में ही देखते हैं। मुनावर फारूकी इधर आके कार्यक्रम कर सकता है, हम उनको सिक्योरिटी देंगे, हम उनको सुरक्षा देंगे। हम सभी ने निश्चय किया कि किसी भी परिस्थिति में ये हिंदू द्वेषी धर्मद्रोही ये जो मुनावर फारूकी का कार्यक्रम भाग्यनगर में हम होने नहीं देंगे। 15 से अधिक हिंदुत्वनिष्ठ संगठन संगठित होकर वैधानिक मार्ग से इसका हमने विरोध किया। भाग्यनगर के DGP को जाके हमने मेमोरेंडम सबमिट किया और सोशल मीडिया के माध्यम से, YouTube हो, Twitter हो, Facebook हो, पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से इसको पूर्ण रूप से विरोध किया गया। हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों के जो संगठित प्रयास थे, जो विरोध हमने दर्शाया था, उसी के कारण ये हिंदू द्रोही, ये जो धर्मद्रोही, ये जो मुनावर फारूकी भाग्यनगर में पाँव नहीं रख पाया, ये वास्तविकता है। महाराष्ट्र के पुणे में भी मुनावर फारूकी का कार्यक्रम रद्द हुआ। इतना ही नहीं, ये होने के बाद भारत में 6 जगह मुनावर फारूकी का कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। यह केवल हिंदुत्वनिष्ठों के संगठित प्रयास के कारण यह हुआ है। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।